दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय NHPC। उपमंडल पद्दर के ग्राम पंचायत गवाली में मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के महीने में घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं व रोजे भी रखे हुए हैं। पद्दर में एकमात्र इलाही जामा मस्जिद भी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग कोरोना वायरस के चलते प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए घर में ही नमाज पढ़ रहे हैं। इलाही जामा मस्जिद गवाली के प्रबंधकों ने सभी को रमजान के मुबारक महीने की बधाई दी है और साथ ही गुजारिश की है कि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग पांचों वक्त की नमाज अपने घरों में पढ़ें व दुआ करें उन योद्धाओं के लिए जो इस महामारी के दौर में दिन रात भूखे प्यासे अपने परिवार से दूर रहकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। नूर अली जी, आप यहाँ इलाही जामा मस्जिद गवाली के नमाजाता भी हैं और साथ में प्रधान भी हैं, तो आप ये रमजान का महीना कैसे, मतलब जो चला हुआ है आजकल, कैसे मना रहे हैं? रमजान का महीना हमारे यहाँ बहुत अच्छा चला हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा सा गिला दिलों में है कि रमजान के महीने में एक विशेष नमाज जो होती थी तरावी, उसको मस्जिद में पढ़ा जाता था तो सारे लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन अभी सरकार के आदेश है, खासकर ये जो कोरोना वायरस जैसी बीमारी चली हुई है इसकी वजह से, तो मस्जिद नहीं जाके हम अपने अपने घरों में वो नमाज अदा करते हैं और जो सरकार के आदेश है, प्रशासन के आदेश है, उनका बखूबी पालन कर रहे हैं। तो आज दूसरा दिन रोजा का है, तो किस तरह आप रोजे को मतलब मनाते हैं या क्या करते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? हम सुबह 4 बज के, आज का जो टाइम है जी, आज दूसरा रोजा है, 4 बज के 12 मिनट का अंतिम टाइम है, उससे पहले जो है खाना वगैरह सहरी जिसे बोलते हैं, सहरी वो खा लेते हैं जी। उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ेंगे जी, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, दिन में आराम कर लेंगे, दिन में जोहर की नमाज होगी, उसके बाद असर की नमाज होगी, उसके बाद मगरिब की नमाज होगी, और उसके बाद मगरिब की नमाज के टाइम, आज का जो टाइम है 7 बज के 6 मिनट का, उस टाइम जो रोजा इफ्तार होगा उसके साथ में मगरिब की नमाज पढ़ी जाएगी। उसके बाद 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी हमारी ईशा की नमाज होगी, और उसके साथ ही तरावी की नमाज, जो रमजान के महीने में विशेष नमाज जो होती है वो पढ़ी जाती है। ये कितनी नमाज दिन में पढ़ी जाती है? वैसे जो रोजाना की नमाजें वो 5 दिन की, तो रमजान के महीने में एक नमाज इसके अतिरिक्त होती है जिसे तरावी कहा जाता है। आपको जैसे कोरोना जैसे वायरस चला हुआ है, तो ये आपको लगता है कि जैसे आप, आपका ये रमजान का महीना आजकल चला हुआ है, दूसरा दिन है, तो आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे रमजान के महीने में रोजे के दिन या जैसे बाजारों में जाते हैं तो उसकी खली, आपको उसकी कमी जो है आपको खल रही है, जैसे कि बच्चों को मिठाइयाँ या कोई कोई अन्य चीज़ें या कोई वस्तुएँ या कपड़ा या जो भी है आपकी जरूरतमंद, तो उसमें कुछ थोड़ा आपके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ा है? थोड़ा प्रभाव तो पड़ा है। अच्छा, जैसे कुछ एक सामान वगैरह लेना होता है उस समय पे उपलब्ध नहीं होता, और अगर दुकानें कुछ एक टाइम के लिए खुली भी है तो पीछे से सप्लाई नहीं आती, वो सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ की कमी तो है, लेकिन जिंदगी जीना भी जरूरी है, तो इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए इस जो अनुशासन है इसको बनाए रखना भी जरूरी है। तो अल्लाह ने चाहा तो बीमारी रमजान के महीने में खत्म हो जाएगी, जिसमें सरकार पूरा कोशिश कर रही है, प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है, पुलिस कोशिश कर रही है, तो इन सब के सहयोग से, खासकर प्रेस वालों का भी बहुत बड़ा सहयोग इसमें है, तो इन सब के सहयोग से और रमजान के महीने में पूरे मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनकी दुआओं का असर भी होगा, जहाँ सरकार के द्वारा दवाओं का असर है, उनके साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी की दुआएं जो है वो भी असर करेगी, और इंशाल्लाह रमजान के महीने में ये वायरस बीमारी जो है एक खत्म हो जाएगी। आप रोजा जो रखते हैं बच्चों के साथ, बच्चे भी रखते हैं या आपकी फैमिलीज जो औरतें होती हैं वो भी रखती हैं, पूरे परिवार मतलब ऐसे रखते हैं या? छोटे बच्चे तो रोजा नहीं रखते क्योंकि काफी बड़ा दिन होता है, दिन में गर्मी का मौसम है तो बच्चे सिरे नहीं चढ़ा पाते हैं, लेकिन फिर भी 12 साल से ऊपर वालिग होता है बच्चा, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जो अपने नियम के अनुसार चलना है, तो 12 साल का बच्चा जो है वालिग हो जाता है, और उसके ऊपर के जो आदमी है सभी के लिए रोजा रखना फर्ज है और सभी रोजा रखते हैं।
इलाही जामा मस्जिद ग्वाली के मौली, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अच्छा, तो आप रोजा कैसे रख रहे हैं, कैसे मना रहे हैं आप रोजे को, मतलब रमजान के महीने में रोजा क्या महत्व रखता है आपके? रोजा हम जिस तरीके से अल्लाह का हुक्म है और जो नबी के तरीके थे उस तरीके से हम रोजा रख रहे हैं और कानून की पूरी कदर करके उसी हिसाब से हम रोजा रख रहे हैं। मस्जिद में जैसे जाने से मना किया है तो हम उससे रुक रहे हैं, मस्जिद में जाने से अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। और मेन चीज़ तो तरावी की नमाज होती है हमारे लिए रमज़ान के महीने में, और ये नमाज भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये नमाज भी हम अपने घरों में अदा कर रहे हैं। और मैं तमाम मुसलमानों को यही अपील करता हूँ कि तमाम अपने अपने घरों में नमाज अदा करे और ज़्यादा मजमा इकट्ठा ना करे और दूरी बना के नमाज अदा करे। और मैं रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको कि इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करे और रोज़ा रखे, तरावियों की पाबंदी करे, नमाजों की पाबंदी करे, पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करे कि ये बीमारी जो आई है इससे हमारे लिए निजात का जरिया बने। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पद्दर से नवीन निश्चल शर्मा की रिपोर्ट। लियाकत अली, इलाही जमा मस्जिद ग्वाली, कोसा अध्यक्ष। और मैं इस रमजान महीने की आर्थिक शुभकामनाएं देता हूं मुस्लिम समुदायों को, और मैं अपने समुदाय के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि अपने लोकल डिस्टेंस में रहें और ईर्कर कोरोना वायरस को जमकर लड़ाई करें उसे, जिससे कि हम उसे जीत सकें। और सभी से ये अपील है कि रमजान महीने में अपना भाईचारा बनाए रखें और अमन अमान से कुछ करें। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC ने कोविड 19 महामारी के रूप में पैदा हुई वर्तमान वैश्विक आपदा के खिलाफ अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कई पहल और उपाय किए हैं। अपने सभी 22 पावर स्टेशनों से बिजली का निर्बाध उत्पादन करते हुए NHPC एक जिम्मेदार कारपोरेट के रूप में कार्यरत है। फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती और दुर्गम इलाकों में स्थित दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना हो या कंचनजंगा की तलहटी में बसा 30 पावर स्टेशन, कश्मीर घाटी में स्थित उड़ी दुलहस्ती एवं किशन गंगा पावर स्टेशन हो या लद्दाख में कठोर मौसम की मार झेलते निम्मो बाजगो और चुटक पावर स्टेशन, इस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए NHPC के सभी पावर स्टेशनों, परियोजनाओं तथा कार्यालयों पर समर्पित कार्यबल है जो लगातार इस आपदा के खिलाफ NHPC की मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। पावर स्टेशनों पर सभी कार्य क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है और सभी कार्मिकों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। NHPC भोजन और सूखे राशन का वितरण भी कर रही है। इसी क्रम में NHPC उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर फंसे सैकड़ों नेपाली नागरिकों के लिए प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करा रही है। NHPC और इसके कर्मचारी इस विपरीत परिस्थिति में समाज के साथ एकजुट खड़े रहते हुए सतर्क और जागरूक हैं। आइए जागरूक और जिम्मेदार बने। स्वच्छता, साफ सफाई और सामाजिक दूरी के साथ कोरोना को हराएं। धन्यवाद। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।